सूद से परेशान, खुदकुशी की धमकी देने वाले शख्स का जॉब सीन, रोही ने भांडा फोड़ दिया। अहमदपुर शरकिया के रिहायशी शरीफ ने सोशल मीडिया पर इंसाफ की अपील की थी, सूदखोर पर लगाए गए इल्जामात भी झूठे निकले। सरगोधा सलामवाला गंदम सेंटर का बड़ा स्कैंडल बेनकाब, 10 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। गंदम की बोरियों से 70% मिट्टी पकड़ी गई, फूड इंस्पेक्टर उमर हयात लाली गंदम में मिट्टी मिलाने पर गिरफ्तार, बोरियों में वजन पूरा करने के लिए मिट्टी मिला दी गई थी। नो मोर शफकत, नो मोर प्यार, अब तो उठाना ही पड़ेगा इम्तिहानात का भार। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल, 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे, इंटरमीडिएट के 15 रोज के बाद मैट्रिक का पेंडाल सजेगा, डेटशीट 2 रोज में जारी होगी, 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात सितंबर में लेने का फैसला। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस आज फिर 9 जिंदगियां निकल गया, मुल्तान में 4, सरगोधा 2, डीजी खान मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में 1-1 मरीज जां बहक, मुल्तान में 56 और सरगोधा में 28 अफराद वायरस का शिकार, मुजफ्फरगढ़ में 20 और डीजी खान में 13 मरीज रिपोर्ट, मियांवाली में 2 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना के फैलाव की रोकथाम, सुबह भर में वैक्सीनेशन जारी, कल से 19 साल तक के शहरियों की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का फैसला, वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, मुतअल्लिका शहरियों को फौरी नाम लिखवाने की तलकीन। बहावलनगर में गर्मी की शिद्दत ज्यादा, गैस्ट्रो टाइफाइड और यरकान के मरीजों की तादाद में इजाफा, डीएचक्यू अस्पताल में रोजाना 400 से जायद मरीज आने लगे, डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर रफीक का कहना है वबाई अमराज के बायस अस्पताल पर लोड बढ़ गया है, शहरी एहतियात करें। मुल्तान में महंगाई ही महंगाई, गरीब आवाम के लिए अपना मकान बनाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया, टीआर की कीमत में 30 रुपए किलो और गार्डर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा, इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया भी महंगी हो गई, मुख्तलिफ कंपनियों के फ्रिज की कीमत में 10,000 रुपए तक का इजाफा, 32 इंच वाली एलईडी 20,000 रुपए की हो गई। मियांवाली में दुआबा सुपरबंध का 7 करोड़ रुपए की लागत से तामीराती काम जारी, शहरियों का कहना है कि दरियाई कटाव से हजारों एकड़ जरी अराजी दरिया बर्द हो गई, बंद की तामीर से पानी का रुख मुड़ जाएगा, जरी जमीनें दोबारा काश्त के काबिल हो जाएंगी। सरकारी स्कूलों से पानी के नमूनों की रफ्तार में सुस्ती क्यों, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शेराजी बरहम, तमाम स्कूलों के पानी के टेस्ट जून के पहले हफ्ते लाजमी कराने की हदायत कर दी, डिप्टी कमिश्नर का बच्चों में गजाइत की कमी दूर करने के हवाले से भरपूर आगाही मुहिम चलाने का हुक्म। एक्सियन सादिकिया का नामुनासिब रवैया, नामंजूर नामंजूर, भावलनगर में महकमे अनहार के दर्जे चहारम के मुलाजमीन सरापा एहतजाज, एक्सियन के दफ्तर का घिराव धरना दे दिया, मोहम्मद अहमद बट्टू का कहना है नहर में पानी ओवरफ्लो होने पर हद अमेज रवैया इख्तियार किया गया, एक्सियन उमर इब्राहिम शेख ने कहा कि नहर के ओवरफ्लो होने के बावजूद मुलाजमीन ने ना कोई तवज्जो दी ना ही कोई खबर। जनूबी पंजाब में कब्जा माफिया की शामत आ गई, सरगोधा में एसी उमर दराज की कार्रवाई, चक तरासी शमाली में 18 करोड़ मालियत की 720 केनाल सरकारी एराजी वागजार करवा ली गई, उधर कोट अद्दू में जले इंतजामिया इनेक्शन, चक 611 में 2 करोड़ रुपए मालियती जमीन वागजार, दुकानें मसमार कर दी गई। बहावलपुर में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का रोही की खबर पर एक्शन, कमर्शियल प्लाजा और हाउसिंग कॉलोनी की दीवारें और पब्लिसिटी बोर्ड गिरा दिए, उधर जामपुर में गैर कानूनी प्लाजों और दुकानों के खिलाफ ऑपरेशन, चीफ ऑफिसर ने 30 से जायद प्लाजों और दुकानों को सील करके तामीराती सामान कब्जे में ले लिया। रहीम यार खान में फैमिली कोर्ट जज नदीम असगर नदीम का एक और फैसला, बीवी को नानो नफका ना देने पर शोहर को 6 माह कैद की सजा सुना दी, बाबा गरीब शाह के अमीन के खिलाफ तीसरी बीवी ने नानो नफके का केस दायर किया था। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का डीएचक्यू अस्पताल लैया का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड का मुआयना किया, सीओ हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला ने वजीर सेहत को ब्रीफिंग दी।
थानेवाल में छह बेटियों की मां बनी हिम्मत की मिसाल, मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। शोहर 10 साल से बीमार है, छह बेटियों की परवरिश, तालीम और तरबियत और बीमार शोहर का इलाज कराने की ठान। मुल्तान में रोही के रिपोर्टर इब्राहिम खान के वालिद इंतकाल कर गए। तोतलावाली कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक, नमाज जनाजा में सहाफियों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्तान जकरिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के जेर एहतमाम बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस, तर्जमा और बैनुस्सकाफती मुतालियात के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान, तुर्की, भारत और दूसरे ममालिक से उर्दू के मारूफ अदीब ने शिरकत की। सरगोधा का इलाका सलामवाली हैंडीक्राफ्ट अशिया के लिए मशहूर है। हैंडीक्राफ्ट का कारोबार उरूज पर है। इंटरनेशनल सतह की मार्केट में फरोख्त होने वाली अशिया की घरेलू सनत में तेजी। और लीजिए जनाब, फलों के बादशाह की भी एंट्री। डोंगा भोंगा का आम जायके में अपनी मिसाल आप। कदीराबाद का आम तैयारी के आखिरी मराहल में दाखिल। सिंदड़ी, दुसेरी, पंसोरी, विंगू, अनोर वटल समेत 20 से जायद अकसाम के आम दस्तियाब। व्यापारियों के साथ साथ आम की शौकीन भी खुश हैं।